हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं पुनः उपस्थित हूं। आइए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण अपडेट। एक अनुरोध होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट 22 से 25 सितंबर तक होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट जो है, जो एग्ज़ाम हो चुकी है और उसका रिजल्ट जो है 22 से 25 सितंबर तक आने की तैयारी की जा रही है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ता निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है जस्ट अगले हफ्ते आने वाला है। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का रिजल्ट 18 से 20 सितंबर तक। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। सरकारी जानकारी के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं यानी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट 18 से 20 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षकों कक्षा 1 से 5वीं तक का रिजल्ट 22 से 25 सितंबर तक जारी होगा। बीपीएससी ने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का अभी रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीएड को लेकर अभी स्पष्ट नोटिफिकेशन सरकार या शिक्षा विभाग से बीपीएससी को नहीं मिला है। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तत्काल जो है डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा और बीएड अभ्यर्थियों के लिए अभी कहा जाए कि कोई डिसीजन नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन सरकार या शिक्षा विभाग से बीपीएससी को नहीं मिला है, तो अभी उनका रिजल्ट जो है पेंडिंग रहेगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद पहले ही कहा था कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक राज्य के 38 जिलों में आयोजित की गई थी। अब रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। 38 जिलों में जो है बिहार के केंद्रों में जो है परीक्षा आयोजित की गई थी और अब रिजल्ट आने की बारी है। दस्तावेज सत्यापन की तिथि 2 दिन बढ़ी। उधर दूसरी तरफ जो है हम देख पा रहे हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 4 से 12 सितंबर तक होने वाले दस्तावेज सत्यापन की तिथि जो है बढ़ा दी गई है। अब सभी जिलों से 14 सितंबर तक दस्तावेज का सत्यापन होगा। वो जो नियत तिथि है वो अब कहा जाए 14 सितंबर तक दस्तावेज का जो है सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन की तिथि 2 दिन तक बढ़ा दी गई है। यह सभी जिलों के लिए है। कई जिलों में पहले दिन सर्वर डाउन होने के कारण जो है दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाया था, इस कारण परेशानी हुई थी। इसी परेशानी को देखते हुए, अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए 2 दिन जो है बीपीएससी ने बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है। अभ्यर्थी 14 सितंबर तक दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। प्रदेश के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन उनके गृह जिला में होगा, जबकि प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों का पटना में होगा। रवि भूषण ने बताया कि अभी रिजल्ट की तैयारी चल रही है, अभी सत्यापन का रिकॉर्ड जिलों से प्राप्त नहीं हुआ है। सत्यापन की तिथि समाप्त होने के बाद सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों का लिस्ट सभी जिला बीपीएससी को सौंपेंगे। गौरतलब है कि 32,916 माध्यमिक और 57,602 उच्च माध्यमिक शिक्षक पद नियुक्ति के लिए 25 से 26 अगस्त को ली गई परीक्षा में क्रमशः 63,272 माध्यमिक और 37,465 उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में जो है कहा जाए कि 37,465 उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और कहा जाए कि दूसरे चरण में एक महत्वपूर्ण दूसरा जो अपडेट है, जो खबर है, दूसरे चरण में, ये तो पहला चरण था और उसकी परीक्षा और उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया चालू है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश जो है इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी कहा जाए कि खुशखबरी है कि दूसरे चरण में 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। बीपीएससी कर रही है सितंबर में रिजल्ट जारी करने के बाद बीपीएससी इसी साल दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया से 1.50 लगभग 1.5 लाख शिक्षक के पद भरे जाएंगे। और इसी अपडेट को कहा जाए कि आगे देखते हैं हम लोग, है ना, ये दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है। क्या है वो अपडेट, आइए देखते हैं। वीडियो में बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, है ना।
रोजगार शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच बनी सहमति, 1 लाख से अधिक शिक्षकों की अक्टूबर में निकलेगी बहाली, नवंबर में परीक्षा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण दूसरा जो अपडेट देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी के द्वारा जो है लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की अक्टूबर में निकलेगी बहाली, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अभी सितंबर चल रहा है और ठीक कुछ दिनों के बाद जो है अक्टूबर माह में बम्पर बहाली होने वाली है और नवंबर में जो है इसका जो है परीक्षा होने वाला है और रिजल्ट भी संभवतः दे दिया जाएगा और इसी साल जो है बहाली कर दी जाएगी। वैसे कैंडिडेट जो लगे हुए हैं इस परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है कहा जाए कि अपने जो स्पीड है, अपना जो कहा जाए एम्बिशन है, उसको बना के रखना है और तैयारी उसी प्रकार से क्रमवार जो है चलानी है ताकि 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जो हो रही है उसमें शामिल होकर के वो अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है, क्या है अपडेट आइए देखते हैं। सरकारी स्कूलों में अगले महीने अक्टूबर में शिक्षकों के करीब 1 लाख से अधिक पदों के लिए नया विज्ञापन जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जो अभी जो चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया, उसके बाद जो है नई वैकेंसी आने वाली है जो लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी, है ना। इन 1 लाख पदों में वर्ग 6 से 8 तक के शिक्षकों के 52,000 पद रिक्त हैं प्लस 2 स्कूलों में शिक्षकों पदों की रिक्तियां जिलों से हासिल कर ली गई है। प्लस 2 स्कूलों के लिए शिक्षकों के वर्तमान नियोजन में रिक्त रह जाने वाली पदों को नई भर्ती में शामिल किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की इस भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर में जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग की तरफ से ली जाने वाली परीक्षा और उसका परिणाम नवम्बर में जारी कर दिया जाएगा। इस तरह नए साल से पहले शिक्षक नियोजन का नया चरण भी पूरा कर लिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को बीपीएससी और शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों के बीच बैठक हुई थी, है ना, और अगले शिक्षक नियोजन पर गहन मंथन किया गया था। इस बात पर अनौपचारिक सहमति बनी कि अगले माह अक्टूबर माह में शिक्षक नियोजन का विज्ञापन निकाला जाएगा। ठीक है, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है, है ना। मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सितंबर को प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक जी को बुलाकर शिक्षकों के खाली पद जल्दी से जल्दी भरने का कहा था। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की भर्ती की घोषणा शिक्षक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में की थी। प्लस 2 स्कूलों में आगामी शिक्षक नियोजन में इसका आधार विभिन्न वजहों से रिक्त पद होंगे। इसमें अवकाश प्राप्त और मृत शिक्षकों के खाली पदों की संख्या भी जोड़ी जाएगी, यानी कहा जाए कि बम्पर बहाली आने वाली है। सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रस्तावित किए जाने की सूचना है। ठीक है, तो आपको बस एक काम करना है कि अपनी तैयारी जो है उसी गति में जो है जारी रखनी है ताकि आप अच्छे तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएँ। 25 या उसके बाद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक और माह के अंत तक आएगा प्राथमिक का रिजल्ट। 25 सितंबर या उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का और माह के अंत तक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकलेगा। मंगलवार को शिक्षा विभाग और आयोग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव निर्देशक प्राथमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सचिव बीएसयूबी परीक्षा नियंत्रक बीएसयूबी पीएससी के अध्यक्ष सचिव व अन्य अधिकारी शामिल हुए। आयोग के संयुक्त सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि बीपीएससी जल्द रिजल्ट देने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन जितना काम बचा है उसको देखते हुए 25 सितंबर से पहले किसी रिजल्ट का प्रकाशन संभव नहीं है। यानी कहा जाए कि जो 25 सितंबर तक जो है डेट दिया जा रहा है और इस सीमा तक जो है इस तिथि तक डेट में जो है परीक्षा का परिणाम प्रकाशित हो पाएगा। पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकलेगा जो 25 सितंबर या उसके बाद किसी दिन निकल सकता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकलने के 3-4 दिनों बाद प्राथमिक का रिजल्ट की संभावना है और इस महीने के अंत तक 28 से 30 सितंबर के बीच ये निकल सकता है। उससे पहले बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षकों पद के लिए पात्रता परिस्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और तब तक बीएडधारी जो है उनकी भी स्थिति जो है कहा जाए कि कुछ न कुछ उनका भी आ जाएगा और उसके बाद जो है उनके रिजल्ट को निकाला जाएगा या उनके बारे में सोचा जाएगा। बीएड पात्रता वाले में एडवोकेट जनरल राय लेगा विभाग और वैसे अभ्यर्थी जो बीएडधारी हैं और उन्होंने एग्जाम दिया है उनके बारे में पात्रता मामले में एडवोकेट जनरल से राय लेगा विभाग। क्या है देखते हैं। बीपीएससी द्वारा जारी 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती में कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए आवेदन करने वाले 4 लाख बीएड डिग्रीधारी आवेदकों का भविष्य अभी अनिश्चित है। उनका जो है अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है जिसके कारण जो है अभी तक उनका मामला जो है अनिश्चित है, अधर में है। दरअसल इस वर्ग में उनकी उम्मीदवारी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया
है। बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस संदर्भ में भी विमर्श हुआ। अंत में यह निष्कर्ष निकला कि मामले में विधि विभाग एडवोकेट जनरल की राय लेकर निर्णय लिया जाए। महाधिवक्ता की राय के बाद बीएड डिग्रीधारियों के भविष्य पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी फैसला लेगा। इस मामले में एनसीटी के आदेश की प्रतीक्षा भी की जा रही है। तो कहा जाए कि अभी और इस नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है उसके बाद एक और नियुक्ति प्रक्रिया जो है लगभग बम्पर बहाली जो है कहा जाए कि उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। 1,00,000 से अधिक शिक्षकों की अक्टूबर में निकले की नोटिफिकेशन और नवंबर में परीक्षा और रिजल्ट भी आने की संभावना है। और अगले कहा जाए कि वर्ष तक जो है सभी जो है जितने भी सीट हैं वो बीपीएससी के द्वारा बिहार में भर लिया जाएगा। तो वैसे कैंडिडेट जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक के रूप में अपने करियर को एक दिशा देना चाहते हैं, उनसे अनुरोध होगा कि वो जिस प्रकार तैयारी में लगे हुए हैं वो उसी प्रकार लगे रहें, आपका मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। तो ये था 2 महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।